अगर आप भी जल्दी से जल्दी प्रमोट होना चाहते हैं तो अपनी कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को चेरी पिक कर लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए और एलन मस्क, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन की तरह कामयाब बन जाइए। चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं और अगर आपको ये 3 स्टेप्स आ गए यानी कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, जिस स्टेप में आपको एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिफाइन करने का क्या मतलब है, हमने बहुत अलग अलग किताबों में, अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग मैगजीन्स में और शायद वीडियोस में भी देखा है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, डेफिनेशन देनी होती है। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं वो काम पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो ही एक गलत सवाल है, वो एक रॉन्ग क्वेश्चन है, वो एक रॉन्ग प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई करी है। अब ये प्रॉब्लम रॉन्ग क्यों है, क्यों गलत प्रॉब्लम या चैलेंज आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम के बारे में, इस इश्यू या चैलेंज के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बार सोचा है। जो आपने सोचा, आपने वो लिख लिया, वो आपने पेन डाउन कर लिया, लेकिन एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन, जेफ बेजोस, ये लोग ऐसा नहीं करते। बहुत बार ये अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जितनी बार सोचते हैं उतनी बार उसे लिखते हैं, जितनी बार सोचोगे उतनी बार लिखोगे या जितनी बार लिखोगे उतनी बार सोचोगे। अगर यहाँ पे एलन मस्क होते या जेफ बेजोस होते तो क्या ऐसा नया करते जो आपने पहले स्टेप में नहीं किया, वो दोबारा सोचते और फिर दोबारा लिखते प्रॉब्लम को। जिसमें जेफ बेजोस ये सोचते कि मेरी जो कंपनी है या मेरा जो डिपार्टमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई है, और तीसरी बार जेफ बेजोस ये लिखते कि मेरी जो कंपनी है या मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें जो एम्प्लॉयज है उनका जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है। ये होती हमारी एक्चुअल स्पेसिफिक और राइट प्रॉब्लम, यानी कि राइट क्वेश्चन, जो जेफ बेजोस यानी कि उनकी तरह के थिंकिंग रखने वाले या जो इस सीक्रेट को जानते हैं, जो इन सारे के सारे तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं जब भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल में खुद जेफ बेजोस ने बार बार सोच के, बार बार लिख के जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो अपना क्वेश्चन है, उसे करेक्ट कर दिया है, यानी कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है, जो स्पेसिफिक है। अब जानते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेकेंड स्टेप। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है और एम्प्लॉय का जो एंगेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जेफ बेजोस की तरह आप सेकेंड स्टेप किस तरीके से उठा सकते हैं? सेकेंड स्टेप में जेफ बेजोस किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स को, यानी कि सॉल्यूशंस को कोलेट करेंगे, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, वो डिस्कशंस कराएंगे। सवाल ये उठता है कि जेफ बेजोस या फिर एलन मस्क या रिचर्ड ब्रांसन सेकेंड स्टेप में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों कराएंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग से होगा क्या? सॉल्यूशन तो हमारे पास एक ही आने वाला है। इन लोगों का कहना है कि जितने लोग उतने बढ़िया सॉल्यूशंस, उतने अलग अलग आइडियाज, उतनी अच्छी क्रिएटिविटी, उतनी अच्छी इनोवेशन और उतना अच्छा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इतिहास भी इस चीज का गवाह रहा है। पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे पेड़ पौधे अलग अलग प्रॉब्लम्स को, अलग अलग इश्यूज को, अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? ये सारे के सारे पेड़ पौधे आज हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स, अलग अलग तरीके के विटामिन्स, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं वनस्पतियों की वजह से आज हम जिंदा हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस है वो सर्वाइव कर रही है। यहीं से अगर हम इस चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जेफ बेजोस, एलन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, सारी की सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन और एलन मस्क अलग अलग एयरक्राफ्ट्स लाके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है। और सोल्यूशन कहता है कि इन सभी को, ह्यूमैनिटी को अर्थ पे सेव करना है। प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं लेकिन सोल्यूशन एक ही है, और इसी वजह से जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन या फिर एलन मस्क जब किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो सेकेंड स्टेप में वो बहुत लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं, क्योंकि एक समय में दुनिया में किसी भी कंपनी में या किसी भी स्पेस में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के साथ, अलग अलग ऑप्शंस के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही
निचोड़ या एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि एक ही सोल्यूशन होता है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन और इलॉन मस्क, ये तीनों ही अलग अलग स्टेप्स को, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को लेके आपके सामने आएंगे और सेकंड स्टेप का जो भी रिक्वायरमेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसे मीट कर लेंगे। थर्ड स्टेप, यानी कि अगर आप जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या फिर रिचर्ड ब्रांसन की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो तीसरे स्टेप में ये तीनों क्या करेंगे, ये जो भी सोल्यूशन इन्होंने निकाला है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, फर्स्ट टू स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, ये उस सोल्यूशन को पायलट टेस्ट करेंगे स्मॉल सैंपल पे, और अगर वो सोल्यूशन कामयाब निकला, कामयाब रहा, तो ये गारंटी है, यानी कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में, जो आपने उसके ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन किया था, कोलेट किया था, कलेक्ट किया था, जो आप सोल्यूशन तक पहुंचे थे, ये तीनों ही स्टेप्स आपने बखूबी निभाए हैं इन तीनों की तरह, इन तीनों एक्सपर्ट्स की तरह। तो बस अगर आपको भी कामयाब बनना है, जल्दी से जल्दी प्रमोशंस लेने हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चेरी पिक कीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जिस तरह से जेफ बेजोस ने किया, जिस तरीके से इलॉन मस्क ने किया, जिस तरीके से रिचर्ड ब्रांसन करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी टॉपिक पे कोई और डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आपको ट्रेन करूं, कोच करूं, मेंटर करूं या फिर काउंसिल करूं, या अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटिटी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्चुअल मोड के जरिए आपके एम्प्लॉइज तक पहुंचूं, उनको ट्रेन करूं, कोच करूं, मेंटर करूं या फिर कोचिंग दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9311659252। आप मुझे प्रपोजल्स भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे verma.roli@gmail.com।